स्वागत है। मैं राकेश सर आप सबको वेलकम करता हूँ। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ 3.6 जो आपका सब्जेक्ट मैथ्स है गाइस। और 3.6 में मैंने फर्स्ट क्वेश्चन पहले बता दिया था, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। उसके बाकी पार्ट में अभी बता रहा हूँ, जितना हो सकता है मैं इस वीडियो में बताऊंगा, जो बच जाएगा नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगा। तो ध्यान से आप ये क्वेश्चन को देखिए, ये जो है 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। आपके जब एग्जाम होते हैं उसमें 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो ये काफी इम्पोर्टेंट है, तो इसे ध्यान से देखिए और सीखिए। गाइस जिससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ये 3.6 का जो है फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन है। देखिए 2/√x + 3/√y = 2 है। इसे फर्स्ट इक्वेशन ले लीजिए। अब 4/√x - 9/√5 = -1 है, ठीक है। इसे सेकेंड इक्वेशन ले लीजिए, ओके। अब यहाँ देखिए, यहाँ अपॉन में दे रखा है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि 2/√x को आप 1/√x × 2 लिख सकते हैं। उसी तरह इसको आप जो है 3√y को आप लिख सकते हैं 3 × 1/√y। तो अगर रूट वाई यानी 1/√y 1/√x की जगह आप अगर कोई अननोन लेटर लेट कर लेते हैं तो ये सॉल्व करने में थोड़ा आसान रहेगा। जस्ट लाइक देखिए सॉल्यूशन, लेट 1/√x = हो जाएगा a गाइस, एंड 1/√y = b। हमने a और b लेट कर लिया। अगर आप यहाँ पर देखिए a पुट कर देंगे तो 2 × a कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, यानी ये जो है 2a बन जाएगा और ये जो है 3b बन जाएगा। तो दैट मीन्स आपका इक्वेशन हो जाएगा 2a + 3b = 2, है ना। इसे इक्वेशन हम थर्ड लेट कर लेते हैं, एंड ये जो दूसरा इक्वेशन है वो आपका बन जाएगा 4a - 9b = -1, ओके। देखिए इसे हमने 4 कर लिया। अब थर्ड फोर्थ में देखिए, अगर एलिमिनेशन मेथड से हम जाएंगे, आप किसी भी मेथड से इसे बना सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड से भी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी, या आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखिए मैं इसे a को हटाना चाहूंगा, a को एलिमिनेट करना चाहूंगा, तो फर्स्ट इक्वेशन को यानी जो थर्ड इक्वेशन है इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो फ्रॉम थर्ड मल्टीप्लाई 2 - 4, मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और 4 को माइनस कर दे रहा हूँ, क्योंकि साइन जब माइनस करेंगे तो चेंज होगा और ये एलिमिनेट हो जाएगा। और जब आपको साइन चेंज नहीं करना हो तो यहाँ ऐड कीजिए, ऐड करने पर साइन नहीं बदलता है, ओके गाइस। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका फर्स्ट इक्वेशन मिलेगा 4a + 3 × 6b = 4, यानी 2 से ये सारे टर्म्स मल्टीप्लाई होंगे, ओके। और इसे तो हमने मल्टीप्लाई नहीं किया है, एज इट लिख देंगे। अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एज इट ही रहेगा। 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई चेंजेस नहीं होगा, ओके। तो नाउ 4a - 9b = -1। नाउ ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस है तो प्लस हो जाएंगे और ये भी प्लस हो जाएगा। देखिए नीचे इक्वेशन का जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है, तो ये प्लस है, +4a है तो -4a बन जाएगा, ये -9b है तो +9b बन जाएगा, और -1 है तो प्लस में चेंज हो जाएगा। अब देखिए 4a, अब 4a में से माइनस कर देंगे कुछ नहीं आएगा, यहाँ दोनों प्लस में है तो ये 15b बन जाएगा आपका, और ये दोनों 5 बन जाएंगे, 4 + 1 = 5, यानी ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो दोनों प्लस हो जाएंगे। नाउ और करके आप अगर b = निकालें तो 5 ऊपर जाएगा और 15 नीचे आएगा और ये एलिमिनेट होकर 1/3 आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए बाकी का पार्ट मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। अब देखिए अब पुट कर दीजिए, पुटिंग b इन थर्ड इक्वेशन, हम थर्ड इक्वेशन में b का जो वैल्यू है उसे पुट कर देते हैं। तो b का वैल्यू कितना है, 1/3, और थर्ड इक्वेशन आपका क्या है, 2a। तो 2a + 3 × 1/3, देखिए b का वैल्यू आपका 1/3 है और यहाँ b है, तो b पुट कर देंगे 1/3 = हो जाएगा आपका 2।
थ्री से थ्री कैंसिल हो जाएगा, टू एच का टू हो गया आपका टू, और ये प्लस वन इधर आकर सॉरी माइनस वन आ जाएगा। दैट मीन्स आपका जो है ए इक्वल टू क्या आएगा वन, और ये टू इधर आकर टू हो जाएगा। तो ए का वैल्यू इस तरह आपका फाइंड आउट हो गया गाइस। ओके नाउ देखिए, ए तो फाइंड आउट हो गया, लेकिन आप याद कीजिए ए को आपने क्या लेट किया था। देखिए ए क्या है, वन अपॉन एक्स है, सॉरी वन अपॉन रूट एक्स है। तो वन अपॉन रूट एक्स इक्वल टू ए है, इक्वल टू वन अपॉन टू है। दैट मीन्स वन अपॉन रूट एक्स इक्वल टू वन अपॉन टू, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो रूट एक्स इक्वल टू टू हो जाएगा गाइस। अब दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर दें तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका फोर। ठीक है, उसी तरह अगेन वन अपॉन रूट वाई इज इक्वल टू आपका है वन अपॉन थ्री, क्योंकि ये बी था है ना, बी था, तो बी इक्वल टू हो गया। चलिए मैं बी लिख देता हूँ यहाँ पर, बी इक्वल टू हो गया दिस। तो नाउ अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो रूट वाई इक्वल टू हो जाएगा थ्री। अब दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दें, ठीक है ना, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो वाई इक्वल टू आ चुका है इसका नाइन, है ना। तो दैट मीन्स आपने देखा एक्स इक्वल टू आपको मिला फोर और वाई इक्वल टू मिला नाइन, ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। तो दैट मीन्स इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, मैं सेकेंड क्वेश्चन यानी इस फर्स्ट पार्ट का थर्ड क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। फर्स्ट का थर्ड पार्ट क्वेश्चन देखिए, ये फोर अपॉन एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू फोर्टीन है, थ्री अपॉन एक्स माइनस फोर वाई इज इक्वल टू ट्वेंटी थ्री है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगर आप लेट कर लेते हैं, लेट वन अपॉन एक्स इक्वल टू ए, सिर्फ ये अपॉन में दे रखा है और ये नॉर्मल दे रखा है ना, जनरल रूल में दे रखा है ये, लेकिन ये अपॉन में है, तो वन अपॉन एक्स को हम लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो जब ये लेट कर लेंगे तो आपको मिलेगा वी गेट, यहाँ ए रख देंगे तो ये हो जाएगा फोर ए प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू फोर्टीन, इक्वेशन फर्स्ट कर लेंगे, और इनको ये हो जाएगा थ्री ए माइनस फोर वाई इज इक्वल टू ट्वेंटी थ्री। ठीक है, नाउ देखिए हम क्या करेंगे, फ्रॉम मैं एलिमिनेशन मेथड से जा रहा हूँ, तो फर्स्ट इक्वेशन को थ्री से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ और सेकंड को फोर से, ताकि ए सेम हो जाए। ठीक है ना, तो फर्स्ट मल्टीप्लाई इंटू थ्री, उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूँ सेकंड मल्टीप्लाई फोर से, तो हमारे पास आ जाएगा फोर थ्री जा ट्वेल्व ए प्लस नाइन वाई एंड फोर्टीन थ्री जा फोर्टी टू। ठीक है, और ये आपका आ जाएगा ट्वेल्व ए, फोर से सब मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस सिक्सटीन वाई, एंड ये आपका हो जाएगा ट्वेंटी थ्री को अब मल्टीप्लाई कर दीजिए फोर से, फोर थ्री जा ट्वेल्व टू वन के फोर टू जा एट वन नाइन। ओके, आप इसे हम क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे फर्स्ट, है ना। अब देखिए ये दोनों रिड्यूस हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा यहाँ पर, ये दोनों प्लस है तो ट्वेंटी फाइव वाई आ जाएगा, और यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, तो ये आ जाएंगे टू में से टू गए जीरो और माइनस फोर फाइव यानी माइनस फिफ्टी आ जाएगा। तो दैट मीन्स आपका वाई इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस फिफ्टी अपॉन ट्वेंटी फाइव इक्वल टू माइनस टू इक्वल टू माइनस टू गाइस। तो ये आपका टू फाइंड आउट हुआ वाई का वैल्यू। अब अगर सब्स्टिट्यूट कर दे, सब्स्टिट्यूट वाई इन फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम y को डाल दें तो हमें a मिल जाएगा, तो 4a प्लस 3 इंटू माइनस टू इक्वल टू फोर्टीन। नाउ अगर 4a इक्वल टू कर दें तो 14 आइए 3 टू जा 6 माइनस 6 बनेगा, इधर आकर प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ आपको सॉल्व कर देता हूँ बाकी का पार्ट। तो यहाँ देखिए a इक्वल टू आपका हो जाएगा 20, ये दोनों प्लस होकर ऊपर चला जाएगा और फोर डिवीजन में आ जाएगा, है ना। तो फोर फाइव जा ट्वेंटी, दैट मीन्स ए आपका क्या है, ए वन बाय एक्स था, तो वन बाय एक्स इज इक्वल टू फाइव हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो फाइव एक्स इक्वल टू वन हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू वन अपॉन फाइव हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। इस तरह देखिए,
आपका x निकला 1/5 और y निकला -2, ये आंसर होगा, ठीक है ना। इसे नोट डाउन कर लीजिए। ओके गाइज, फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन देखिए गाइज, ये देखिए हमें कैसे दे रखा है। 5/(x-1)+1/(y-2)=2 और 6/(x-1)-3/(y-2)=1। देखिए यहाँ पर अपॉन में x-1 y-2 दे रखा है, तो हम सेम बनाएंगे। जैसे देखिए अगर यहाँ से देखिए अगर आप 5/(1)x-1 रख दें तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आप यहाँ 1/(x-1) को अलग कर सकते हैं, उसी तरह 1/(y-2) को भी अलग कर सकते हैं 1 से। तो 1/(1)y-2 ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो अगर इनके जगह आप दूसरा लेटर लेट कर लेते हैं तो आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत आसान होगा, जैसे मैंने अभी भी आपको बताया है। तो देखिए सॉल्यूशन लीजिए और मैं आपको बता देता हूँ, बहुत आसान है इस तरह के क्वेश्चन, घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। सिर्फ हम इसे 5 को हटाकर यहाँ 1 आ जाता है, तो 1/(x-1) को ए लेट कर लेते हैं और 1/(y-2) को आप लेट कर लेते हैं बी। आप यहाँ जो भी लेटर आपको अच्छा लगता है लेट कर सकते हैं। ओके, हमने इसे लेट कर लिया तो आपको मिल जाएगा इक्वेशन, देखिए आपको मिल जाएगा 5a+ यहाँ पूरा b आ जाएगा तो b बन जाएगा और 2। इसे इक्वेशन फर्स्ट लीजिए, दूसरा आपका बन जाएगा 6a, यहाँ 3 है तो 3b आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 3 हटा देंगे तो 3/(1)-y-2 हो जाएगा और यहाँ 1 है तो 1 आ जाएगा। ये आप 2 लेट कर लीजिए। अब इसे एलिमिनेट कर लीजिए, देखिए यहाँ अगर 3 आ जाएगा तो आसानी से एलिमिनेट हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट फ्रॉम फर्स्ट मल्टीप्लाई 3 माइनस प्लस कर देता हूँ, क्योंकि साइन माइनस में ऑलरेडी एक प्लस में एक माइनस में है, तो क्या करेंगे हम प्लस कर देंगे तो साइन चेंज नहीं होगा, दोनों को ऐड कर देते हैं तो आपको क्या मिलेगा। देखिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 15 ए आ जाएगा प्लस 3 बी आ जाएगा और इक्वल में 6 आ जाएगा। नीचे वाला एज इट रहेगा क्योंकि मैं इसे मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब दोनों को प्लस करना है इसलिए साइन चेंज नहीं करेंगे, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, प्लस 3b-3b=0, ये हो जाएगा आपका 21a और इधर आपका आ जाएगा 7, ठीक है ना। आप a=2 कर दें तो a=2 हो जाएगा 7/21। अब इसे रिड्यूस कर दें तो ये हो जाएगा आपका 1/3, a निकल गया आपका। अब चलिए मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, है ना, सब्स्टिट्यूट a इन फर्स्ट इक्वेशन। आज पहले इक्वेशन में आप इसे पुट कर दीजिए तो आपका इक्वेशन पहला क्या है 5a, तो 5/(1/3) आ जाएगा प्लस b आ जाएगा गाइस या 2। तो 5 को से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/(3)+b=2 हो जाएगा। अब इसे अगर आप b को यहाँ रखें और नंबर को उस तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस में बदल जाएगा, साइन विल बी चेंज इफ वी ट्रांसफर द साइड ऑफ एनी नंबर, ओके गाइस, एनी टर्म। तो b=2 आपका हो जाएगा 6-5/3। कभी भी अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए और माइनस है तो इसको माइनस कर दीजिए, अगर प्लस है तो प्लस कर दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा 1/3, दैट मीन्स b आपका हो गया 1/3, ठीक है ना। तो नाउ देखिए आपने a लेट किया था, h=2 1/(x-1)=a, देखिए आपका कितना आया 1/3, तो यहाँ 1/3 कर दीजिए। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x-1=3 हो जाएगा। नाउ x=2 आपका हो जाएगा 3+1 को इधर लाएंगे तो प्लस में बदल जाएगा तो 4 आ जाएगा। उसी तरह b=2 है y, देखिए 1/(y-2) और आपका b कितना निकला 1/3, b भी 1/3 ही निकला है, तो दैट मीन्स यहाँ 1/3 लिखना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो y-2=2 हो जाएगा आपका 3 और y=2 करेंगे तो -2 इधर आकर प्लस में बदल जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह y 5 निकला और x 4 निकला, दैट मीन्स x=2 आपका हुआ 4 और y=2 हुआ 5, ये आपका आंसर हुआ। ओके गाइस, इस तरह आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है जब आप इसे अलग से लेट कर लेते हैं, ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। देखिए फर्स्ट का फिफ्थ क्वेश्चन, 7x-2y/xy=5 है,
एट एक्स प्लस सेवन वाई अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 15 है। देखिए इसमें अपॉन में एक्स वाई अपॉन में एक्स वाई है ना, इसे डिफर करके नहीं लिखा गया है, सेपरेट करके नहीं लिखा गया है। अगर इस तरह का कोई भी सवाल आता है तो विदाउट लेट किए आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस तरह का देखिए जैसे सिक्स क्वेश्चन है आपका इस तरह बन जाएगा। तो आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और करके, तो आपको मिल जाएगा देखिए 7x माइनस 2y इज इक्वल टू हो जाएगा 5xy। 5xy इसे इक्वेशन फर्स्ट कर लीजिए। नाउ सेकेंड ये बन जाएगा आपका 8x प्लस 7y इज इक्वल टू 15xy, इसे सेकेंड कर लीजिए। अब देखिए नॉर्मल बन गया, जब भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एज इट जनरल रूल के हिसाब से ये ax by और c में आ जाएगा। ओके तो देखिए आपको इक्वेशन ये मिल जाता है, ठीक है। आप देखिए आप एलिमिनेट करना चाहेंगे तो यहाँ देखिए 7x है, यहाँ 8x है, यहाँ 2 है और यहाँ 7 है। तो अगर आप एलिमिनेट करना चाहते हैं y को तो इनको 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए फर्स्ट वाले को, और सेकेंड को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए मैं फ्रॉम एलिमिनेशन मेथड जा रहा हूँ और फर्स्ट को 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और सेकेंड को 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ और ऐड कर दे रहा हूँ, क्योंकि एक माइनस है एक प्लस है, इसलिए हमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप जब फर्स्ट इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका मिलेगा 49x, 7 टू जाए यहाँ मिलेगा 14x है ना, यहाँ मिलेगा आपको 14x और इक्वल हो जाएगा 7 5 35xy। ओके अब यहाँ देखिए अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, तो ये आपको हो जाएगा 16x प्लस 14x, सॉरी ये y है, हमें y लिखना है यहाँ पर y, और इज इक्वल टू हो जाएगा 15 टू जा 30xy। आप देखिए मैं प्लस कर रहा हूँ तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास यहाँ मिल जाएंगे 9615 1 4 1 5 65x और यहाँ ये आ जाएंगे आपके 65xy, ठीक है ना। तो और करके 65x को ऊपर ही रखिए, यहाँ से 65x इसके नीचे ले आइए तो आपको y बच जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स 1 इज इक्वल टू y आ गया, यानी y इज इक्वल टू आपका निकल गया 1, ये आपका आंसर हो गया। अब हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट y इन फर्स्ट इक्वेशन, अगर आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो आपको क्या मिलेगा मैं यहां बता देता हूं, वी गेट यहां देखिए फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या है 7x है, 7x माइनस 2 इंटू 1, यहाँ y का वैल्यू 1 निकला तो 1 हम पुट कर देंगे और इक्वल टू 5x इंटू 1, तो दैट मीन्स आपके पास हो जाएगा 7x माइनस 2 इक्वल टू 5x, 5x को आप इधर ले जाएंगे तो 7x माइनस 5x इक्वल टू 2 को उस साइड ले जाएंगे तो प्लस 2 में आ जाएगा, अब ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 2 है ना, 2x इक्वल टू 2, दैट मीन्स x इक्वल टू आपका हो जाएगा 2, 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1, ये आपका आंसर हो गया, यानी x इक्वल टू भी 1 हो गया और y इक्वल टू भी 1 हो गया, यानी ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आइए हम 6th क्वेश्चन आपको बता देते हैं, 6th क्वेश्चन देखिए क्या है, 6x प्लस 3y इक्वल टू है 6xy और 2x प्लस 4y इक्वल टू है 5xy, इसके फर्स्ट इक्वेशन कर लीजिए, इसे सेकेंड इक्वेशन कर लीजिए, ठीक है ना। आप देखिए आप एलिमिनेट करना चाहते हैं तो सेकेंड वाले को अगर x को एलिमिनेट करेंगे तो सेकेंड वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और माइनस कर दीजिए। तो हम जा रहे हैं एलिमिनेशन मेथड से, तो फ्रॉम फर्स्ट माइनस 2 मल्टीप्लाई 3, तो फर्स्ट को एज इट लिख दीजिए आप 6x प्लस 3y इक्वल टू 6xy और सेकेंड को आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 6x हो जाएगा प्लस 12y हो जाएगा और 15xy हो जाएगा, ठीक है। माइनस करें तो साइन चेंज होगा क्योंकि इसमें दोनों का साइन सेम था इसलिए हमने माइनस कर दिया, ठीक है। आप माइनस कर देंगे तो आपका यहाँ 9y आ जाएगा और यहाँ पर माइनस कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा माइनस 9xy, ठीक है। माइनस 9y आप यहीं रखिए और माइनस 9y को फिर यहाँ से ले आइए तो यहाँ आपका x बन जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास 1 आ जाएगा, 1 इक्वल टू x हो जाएगा। आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, सब्स्टिट्यूट x इन फर्स्ट इक्वेशन,
फर्स्ट इक्वेशन में से सब्स्टिट्यूट कर देंगे गाइस, तो आपको मिलेगा 6 इंटू 1 प्लस 3 वाई इसको टू 6 इंटू 1 वाई। दैट मीन्स जहां जहां x है आपको 1 पुट कर देना है, इस तरह आपको मिल जाएगा 6 प्लस 3 वाई इसको टू 6 वाई एंड 3 वाई, और 6 वाई को इधर ले आए तो माइनस 6 वाई, और ये 6 इधर आकर माइनस बन जाएगा, तो दैट मीन्स माइनस 3 वाई इसको टू माइनस 6 हो जाएगा, y इसको टू माइनस 6 अपॉन माइनस 3 करके 2 आ जाएगा। तो दैट मीन्स आपने देखा x इसको टू 1 और y इसको टू जो है आपका निकला 2, ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, तो इस तरह आपका 6 क्वेश्चन भी फर्स्ट पार्ट का 6 क्वेश्चन सॉल्व होता है। इसे नोट डाउन कर लीजिए, कहीं अगर कोई डिफिकल्टी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, बाकी का क्वेश्चन मैं इसके बाद के वीडियो में डालूंगा तो उसे भी जरूर देखिए। अगर कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। गाइज अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आया, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। हाँ, लाइक करना भी मत भूलिए, लाइक कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।